हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके सेट के एग्जामिनेशन के लिए। और दोस्तों मैं सलाह देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन को अटेम कर पाएंगे। पहली बात करते हैं सामान्य अध्ययन, जिसमें से आपको 50 प्रश्न हल करने होंगे, लेकिन दोस्तों वो केवल एक घंटा दिया जाता है, इसलिए उसमें समय बहुत वेस्ट हो जाता है। और कुछ तो फॉर्म फिलअप, फॉर्म में सिग्नेचर करने के टाइम भी समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं, तो मैं सलाह देता हूँ कि उसमें आप जितना ज़्यादा समय बचत कर सकते हैं कीजिए, और जितना ज़्यादा उसको सही करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को, क्वेश्चन के आंसर को करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पहला पेपर में मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो उसमें से कम 40% आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो उसमें देखा जाए तो 50 में आपको 18 से ऊपर क्वेश्चन जो है सही करेंगे। उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा आपका, जो मेन पेपर होगा, उसमें भी आपको मिनिमम 40% ही सॉल्व करने होंगे। दोनों मिलाकर इस प्रकार 50% यदि आप लाते हैं तभी आपका जो सेट है वो क्वालिफाई माना जाएगा। तो इसके लिए मैं सलाह देता हूं कि पहले पेपर को जितना अच्छा से अच्छा बना सकते हैं बनाने का प्रयास कीजिए। सेकंड पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 40 से 50 क्वेश्चन जो है आपसे बन ही जाएंगे। तो मैं सलाह देता हूं कि आप जो दूसरा पेपर होगा आपके जो सब्जेक्टिव, उसमें कम से कम 45 से 55 के बीच सही करने का प्रयास कीजिए। पहले में कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, तभी जा करके आपका सेट जो है क्लियर हो जाएगा। और दोस्तों वो जो है कट ऑफ जो है आपके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो मैं वही सलाह दूंगा कि आप जो है पहले पेपर में 30 से ऊपर और सेकंड पेपर में 45 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करें, आपका जो है सेट आसानी से क्लियर हो जाएगा।